आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। इसे बनाना बहुत ही इजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में 250 ग्राम तिल लिया है और इसे हम धीमी आंच में भून लेंगे। तिल भून चुके हैं, अब इसे अलग कर लेंगे। उसी कढ़ाई में आधा कप मूंगफली के दाने लेंगे और इसे भून लेंगे। और इसे भी निकाल लेंगे। इन दोनों चीजों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो दोनों चीजें पीस चुकी हैं। अब मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है और इसे कढ़ाई में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम पिसी हुई तिल डाल देंगे। अभी मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। इन सभी को थोड़ी देर पका लेंगे। तो सभी चीजें अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए कितने परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हैं, कितने हेल्दी और टेस्टी लड्डू हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।